शिल्पी नहीं रहा देखो शिल्प अमर है आज भी। शिल्पी नहीं रहा देखो शिल्प अमर है आज भी। नहीं रहता कलाकार रह जाती उसकी कला पीढ़ी दर पीढ़ी चैतन्य वाहिनी है। पूर्वजों की संस्कृति की पुस्तक है ये। शिल्पी नहीं रहा देखो शिल्प अमर है आज भी। पूर्वज हमारे थे पहले कैसे वेश भूषा से बता रहा है जता रहा है हृदय की बातों को हाव भाव द्वारा बता रहा है। अति चतुर थे शिल्पी नहीं रहा देखो शिल्प अमर है आज भी। बालक सड़ पर झपटा जब शेर गुरु ने पुकारा सड़ शेर मार ने शेर को मार गिराया। सड़ ने शेर को मार गिराया सड़ पोई सड़ का मूल पुरुष हुआ कोई सड़ वंश का। सड़मूल पुरुष है। कहा था नृत्य नहीं करती, हमने आपसे नृत्य करवा दिया। हाँ जीत आपकी हुई, चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य जीते। तुम्हारी शांतला जी तपा हुआ सोना है और लक्ष्मी देवी कितनी सुंदर है चंदन की पुतली की तरह। मैं सोचती हूँ दोनों की सांस भी एक ही लय में चलती है। तुमने उन दोनों को बचपन से देखा है ना, वो कैसे जुड़ी है जरा विस्तार से कहो। की कथा की अगी 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 अगी
लक्ष्मी को कैसे कहूँ, शांतला लक्ष्मी को कैसे कहूँ, जन्म जन्म का जोड़ा है, जन्म जन्म का जोड़ा है, एक पखेरू का पंख रो है, अजर चमत करो मैं सुनाती हूँ, एक ही सांस का तो दूसरी रोए, एक भूखी तो दूसरी खाए, घायल एक तो दूसरी रोए, रूप विद्या गुण समान है, रूप विद्या गुण समान है, कोई किसी से कम नहीं है, नहीं है, घी आज्ञा के अनुसार यह सभा शीघ्रता से बुलाई गई है। क्या आदेश है आपका? गंगराज, आदेश कीजिए राजमाता, सरमाते पलकर पालन करेंगे। हमें आपके बातों पर पूरा भरोसा है गंगराज जी। आज मैं आप सबको एक कार्य का भार सौंप रही हूँ। ये बात राज्य की नहीं, राज परिवार की है। पहलिया मत बुझाइए माता जी, स्पष्ट बताइए। महाराज, इस उपनयन संस्कार उत्सव में आपके भ्रातृ विष्णुवर्धन के लिए वधु का चुनाव होना चाहिए। हाँ 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 हाँ, रण क्षेत्र से बाहर ही नहीं निकलता है वो नटखट घोड़ा। इसके पैरों में बेड़ी डालनी ही होगी। माची कब्बे पारसी मैया आपके हाथों में है ना। राजभवन से दूर नहीं है, आपकी इच्छा फूल जैसी सरल हो जाएगी। हाँ राजमाता, बिट्टी देव का लग्न कोई कठिन कार्य नहीं है, आप सबकी सम्मति होगी तो अगले लग्न में ही संपन्न हो जाएगा।
तो शीघ्र प्रयत्न कीजिए गंगराज जी, मानसिंह मैया को बुलवा लीजिए ना। मानसिंह मैया गांव में नहीं है, सीमांत के आक्रमणकारी मसन को कुचलने गए हैं। आज के समाचार के अनुसार मसन को कुचलकर मानसिंह मैया द्वारावती आ चुके हैं। तो वे अवश्य उत्सव में आ जाएंगे, निमंत्रण पत्र मैंने स्वयं भेजा है। लीजिए प्यास बुझाइए। कैसे आए? पिताजी तो अभी नहीं आए हैं। ये पत्र उन्हें देना था। देंगे तो मैं पहुंचा दूंगी, अगर स्वयं देना चाहते हैं तो कल आइए। तुम तो मानसिंह भैया की पुत्री हो तुम ही दे देना। पुष्प पराग धरती पर उतर आओ। अच्छा अब तुम दोनों तैयार हो जाओ। क्यों? राजभवन में कुंवर विष्णु का उपनयन संस्कार है।
राजभवन में कुंवर विष्णु का उपनयन संस्कार है, उस दिन लक्ष्मी तुम्हें गाना गाना है और शांतला तुम्हें नृत्य करना है। माची, इन दोनों का क्या जन्मानुबंध है? इतनी निर्मल मैत्री, सद्गुण, सौशीलता। ये मातृत्व का सौभाग्य है। दीदी, यहाँ क्यों लाई? क्या ये पत्थर हमें गीत सिखाएंगे, हमें नृत्य सिखाएंगे? क्यों नहीं बहना, पत्थर में पानी भी है, मिट्टी भी है, पानी में खून भी है, सांस भी है, सांस में आग भी है, हवा भी है। ये मानव को प्रकृति पाठ सिखाते हैं। नमुष्टि या परद्रव्य
सविता अष्टादान सविता पुरस्तान सविता तरातान सविता धरातान सविता नस्वत समुदतान सविता नूनासतान दीर्घमायु विक्षाम भगवती देही विक्षाम भगवती देही विक्षाम भगवती देही सर्वधर्म समन्वय स्वरूपी हमारे प्रभु के सामने उपनयन संस्कार का सारा स्वरूप जो गायत्री हृदय मंत्र है नृत्य रूप में प्रदर्शित होने जा रहा है। Oh.
Thank you.